जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपको न्यूज़ मिल ही गई होगी, अगर नहीं मिली तो देख लीजिए, आपकी UPBSC का एग्ज़ाम की डेट भी बदल चुकी है, मतलब कहने का 26 और 27 अक्टूबर दो दिन पेपर होगा, 9:30 से 11:30 GS का और 2:30 से 4:30 वही CSAT का, दो शिफ्टों में पेपर होगा। जैसा कि बोला जा रहा था ना कि अगर जिस भी एग्ज़ाम में 4 लाख से ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ पेपर दो शिफ्ट में होगा, पर कहा गया था कि PCS में ऐसा नहीं होगा, पर सेंटर ना मिलने की वजह से, क्योंकि बोला गया कि एक सेंटर पर जो मिनिमम बचे हैं वो शायद 1000 के आसपास रखा गया है ना, तो सेंटर ना मिलने की वजह से इतने ज़्यादा पेपर लीक के देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि पेपर जो होगा वो दो शिफ्टों में कराया जाएगा। अब यहाँ दो शिफ्ट में होगा तो PCS में भैया आ गया अब नॉर्मलाइजेशन, ये बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी भाई, कि हो सकता है सैटरडे वाला पेपर ईजी आए GS का, है ना, संडे वाला टफ आ जाए, हो सकता है ये टफ आए ये ईजी आ जाए, है ना भाई, बराबर तो आएगा नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है। तो यहाँ से यार जो बेचारा एक एक दो दो नंबर से रुकता है ना, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत हो जाती है, उनके नंबर इधर उधर बढ़ जाते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस तो यार मुझे PCS के लिए नहीं समझ में आता है, वनडे एग्ज़ाम में ये होता है भाई, CTET वगैरह जो वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए ठीक था, PCS जैसे एग्ज़ाम में जहाँ इतना सारा बच्चा पढ़ना पड़ता है, उसको इतना याद करना पड़ता है, अब उसके नंबर इधर उधर बटे तो फिर दुख होता है भाई। तो अब क्या ही कर सकते थे कि एक शिफ्ट में या दो शिफ्ट में आपको तैयारी तो करनी है ना, अब फालतू अब इधर उधर में मुहिम मत चलाइए, अब जो चीज़ होनी है वो तो होगी, पेपर लीक को भी रोकना है, इस टाइम बस अब आप फोकस करिए, सिर्फ और सिर्फ एक महीना बचा है पढ़ाई पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी है यार, पॉलिटी है, UP GK है, ज्योग्राफी है, इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इनको याद करने का यही तरीका बार बार आप रिविजन करिए, कोशिश करा करिए। जैसे आज संडे है, आज संडे को आप सोच लीजिए कि सारे पॉलिटी के पार्ट्स और सारे पॉलिटी के शेड्यूल, जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं वो मैंने सब वीडियो बना रखे हैं, है ना, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये सब आप याद कर डालिए। और इस चैनल पे आप देखोगे ना, इस चैनल पे आपके रिवीजन के लिए इतनी सारी चीज़ें मैं चला रहा हूँ, आपके रिवीजन में बहुत सारी हेल्प इसमें हो जाएगी। एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें रिवीजन के लिए आपको मिलेंगी, ज्योग्राफी साइंस मैं पूरी इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, है ना, टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट कराऊंगा, हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट को लेके आप अच्छे से अपना रिवीजन करिए, जो भी पढ़ा है पेपर तो देखिए देना ही है, बार बार उसको रिवाइज करते रहिए, जो 40 टेस्ट है ना वो 20 फुल लेंथ है, 20 सेक्शन में मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करेंगे, उन्हीं में से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर से मैं तरीका बता रहा हूँ, आप जो पढ़ रहे हैं ना अपना शेड्यूल बनाइए, कम से कम 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है आपको, आज सोच लीजिए आज आपको पॉलिटी खत्म करनी है और UP GK जो होती है उसकी मैपिंग कर डालनी है। मैपिंग क्या होती है, मैपिंग में जैसे आपने पढ़ लिया UP GK जितने भी 8 जिले हैं और एक नेपाल है, दिल्ली है, इनसे जितने जिले UP के बॉर्डर शेयर करते हैं वो सब पढ़ डालिए अच्छे से, क्योंकि पूछता ही है। तो मतलब कहने का अपना डेली टास्क बनाइए, और टास्क बनाइए रात में ही कि आपको सुबह में क्या पढ़ना है ना, और कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जो टास्क है जो आपने 7 दिन में पढ़ा है वो रिपीट जरूर हो बाद में, है ना, मतलब ऐसा करा करिए संडे को अब संडे वनडे भूल जाइए, पार्टी वार्टी, संडे को जो 6 दिन पढ़ा उसका रिवीजन जरूर करिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन, संडे को कुछ नया नहीं, संडे को सिर्फ अपन जो पुराना पढ़ा उसको ही रिवाइज करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, बाकी ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल पे एक बार देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव आपको दिए जा रहे हैं जिससे आपके पेपर को निकालने में आपको काफ़ी हेल्प होगी, चाहे RO या RO हो, चाहे UPBSC हो।